शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्स्सत के लिए हैं अस्सलाम वालेकुम मिसनर्स मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश कहती हूँ मेरी तरफ़ से तमाम आ, मुस्लिम आ, उम्मा को हज मुबारक और बहुत बहुत ईद मुबारक आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूं जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ ये खौफनाक कहानी फैसलाबाद से हुमा शेयर कर रही हैं हुमा कहती हैं कि आज आपके साथ मैं अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक ज़्यादा घर की ऐसी वाक़ात ऐसे ड्रामने किस्से शेयर करना चाहती हूँ जिन्हें मैंने ख़ुद फ़ेस किया फैसलाबाद बाबर चौक में वो घर है दो भाइयों ने एक जैसा घर बनाया था एक फैमिली ने तो उस घर में रहना शुरू किया वो लोग तो वहाँ पर रह गए लेकिन जो दूसरा भाई था वो तीसरे दिन वहाँ से भाग गया उसके बाद वो घर हर बार रेंट आउट किया गया लेकिन उस घर में तीन से चार दिन से ज़्यादा कोई रह नहीं सकता था मेरी जब शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने कम रेंट की लालच में वो आसेब सदा घर ले लिया जबकि वो जानते थे कि वो घर आसेब सदा है और वहाँ पर कोई भी नहीं रहता अब जो जिस शख़्स के साथ मेरी शादी हुई थी वो बहुत ज़्यादा काले जादू करते थे सीखते थे उनके मुख्तु पॉइंट्स थे कभी एप्ट कभी हैदराबाद कभी आ, कहीं कभी कहीं मुख्तु मकाम पर उनके पॉइंट्स थे तो वो वहाँ पर जाया करते थे और मैं अकेली होती थी उस घर में जब मैंने रहना शुरू किया तो मुझे वहाँ पर किसी की मौजूदगी का एहसास रहता था मेरे साथ कोई भी नहीं होता था मैं बिल्कुल तन्हा थी मेड आती थी वो भी आ, कभी कभार अगर वो नहीं आती थी तो उस दिन मैं बिल्कुल ही अकेली हो जाती थी जब भी मैं वज़ू करती थी तो मुझे अपने घर के मिरर में ऐसा महसूस होता था कि जिसके आगे मैं खड़ी होकर वजू कर रही हूँ वॉश बेसन के आगे तो मिरर में से मुझे ऐसा लगता था मेरे पीछे से कोई मर्द गुजर के गया कोई आदमी गुज़र के गया फिर मैंने डरना शुरू कर दिया मगरिब के बाद ये मामला मेरे साथ पहले सबसे पहले मगरिब के बाद ये मामला शुरू हुए मस्जिद की मग़रब की नमाज़ का जब भी वज़ू करना होता था तो मिरर में से मुझे कोई साया कोई बकायदा मर्द गुजरता हुआ पीछे से नज़र आता था पलट कर देखती थी तो कोई भी नहीं होता था फिर हम लोगों का जो रूम का अटैच वॉशरूम था मैंने वहाँ पर वज़ू करना शुरू कर दिया तब भी मुझे मिरर में से नज़र आता था यहाँ तक कि मैं इस हद तक डरने लगी कि मैंने मिरर ही उतार दिए और मैं जो बात केबन होता है शॉवर केबन मैंने वहाँ पर वजू करना शुरू कर दिया फिर जब मैं नमाज़ पढ़ती थी तो वो मखलूक़ात मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते थे कभी ऐसा लगता था पीछे से कोई भाग कर गुज़र गया कभी कोई पास आकर खड़ा हो गया इस तरह के मामला और वो जो मर्द नज़र आता था वो तो हद से ज़्यादा नज़र आता था यहाँ तक कि किचन में काम करना मुश्किल हो जाता था खाना बना रही होती थी घर में कोई नहीं होता था तो बाहर से कोई गुजर होता था और वो होता मर्द ही था फिर एक दफीद सर्दियाँ थीं सुबह छः बजे का टाइम था तो मुझे स्लिपिंग पैरालाइज अटैक हुआ वो भी स्लिपिंग पैरालाइज अटैक नहीं था क्योंकि मैंने बकायदा अपने पास एक बहुत ज़्यादा भयानक चेहरे वाला कोई मर्द देखा था जो बकायदा मेरी तरफ़ देख रहा था बिल्कुल मेरे फेस के पास उसका फेस था और वो मुझे हेपनाटाइज़ करने की कोशिश कर रहा था मैंने आयतल तो कुर्सी पड़ी तो वो उस तरह से पीछे नहीं हटा तो जैसे ही मैंने अवज़ बिल्लामन शवान पढ़ना शुरू किया तो वह पीछे हट गया मैं बहुत ज़्यादा डरने लग गई इसी तरह से तजत के टाइम अक्सर हम लोगों के पोर्शन की बैक साइड पर एक सेहन होता था मैं वहाँ पर जाती थी तो वहाँ पर सामने एक और पोर्शन था तो वहाँ से मुझे सूरत रहमान की तिलावत की आवाज़ सुनाई देती थी बेहद इंतहा ख़ूबसूरत आवाज़ होती थी शायद वहाँ पर कोई तिलावत करता था या वहाँ पर भी कोई नेक जन्त थे जो तिलावत करते थे इसी तरह से वक्त गुजरता गया अक्सर मुझे अपने घर के मुख्तिस हिस्सों में टेरस पर मीट पड़ा हुआ नज़र आता था तो मैं ये समझ कर इग्नोर कर देती थी कि शायद ये जो है ये बिल्लियाँ वगैरह ला के रखती हूँ जब उस मर्द को मैंने अपने इतने करीब देखा था तो मैं डर गई थी मैं उस कमरे से भाग कर नीचे आ गई लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था मैं सुबह छः बजे किसको बुलाती कौन आता मेरी मदद के लिए मैंने अल्लाह का नाम लिया कि इन चीज़ों के साथ तो मेरा वास्ता अपने घर से है हम लोगों का घर ख़ुद का घर हम लोगों का जो था वो हॉन्टेड था तो इन चीज़ों का मुझे पता भी था इल्म भी था फिर मैंने हिम्मत की और मैं ऊपर चली गई कभी कभी डर भी जाती थी बहुत ज़्यादा तो हम लोगों का जो नीचे वाला पोर्शन था एक दफ़ा मैंने उधर झांक कर देखा तो वहाँ पर हद से ज़्यादा गलाजत थी उसकी बैक साइड पर जो गैलरी थी वहाँ पर हद से ज़्यादा गलाजत थी ऐसा लगता था वहाँ पर जानवरों के अजाब पड़े हुए हैं आ, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी फिर हम लोगों के मैंने वहाँ की पिक्स भी बनाई मेरी अम्मी लोगों के घर भी एक इसी तरह का पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई एक तो मुझे वो चीज़ याद आ गई फिर हमने एक आमिल को बुलाया मैंने नीचे वाले घर की कीज़ ली वहाँ पर जाकर देखा तो इस हद तक वहाँ पर स्मेल थी कि पूरे मोहल्ले में ऐसे स्मेल रहती थी जैसे वहाँ पर डेड बॉडी है वहाँ पर इतना इतना वहाँ पर वो गंद वगैरह था वहाँ पर खुलाजत थी जै जैसे वो आमिल वहाँ पर आए उन्होंने कुछ किया तो वो जो मखलूक़ थी वो परवोक हो गई फिर मैंने इमाम साहब को बुलाया हम लोगों के इलाके के जो इमाम साहब थे वो काफ़ी ज़्यादा इल्म रखते थे वो आए उन्होंने मुझे ये कहा कि इल्म तो तुम्हारे पास भी है तुम इसको, इसको इस्तेमाल कर सकती हो तो मैंने उन्हें ये कहा कि बेशक मेरे पास इल्म है लेकिन मैं इसको, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहती मुझे अकेले डर लगता है तो उनका ये कहना था नहीं तुम ये पढ़ना शुरू करो तो हिम्मत ना हारना तुम कर सकती हो उन्होंने मुझे एक चिल्ला दे दिया मैंने वो चिल्कशी शुरू कर दी पढ़ाई शुरू कर दी तो जब मैं पढ़ाई करती थी तो वो सारी सारी रात वो ड्रावने चेहरे वाला मर्द मुझे अपने सर पर बैठा दिखाई देता था लेकिन मैंने हिम्मत रखी कि मैंने अभी ये काम शुरू किया तो मैंने पूरा करना है कभी कोई औरत नज़र आती थी एक कमरे से निकल कर दूसरे कमरे में जाकर गायब हो जाती थी जैसे कैसे करके मैंने चार से पाँच माह वो पढ़ाई कर ली उस दौरान भी वो मखलूक मुझे बहुत डराती थी फिर वो इमाम साहब आए उन्होंने मुझे ये कहा कि अब तो मैं इकतालीस दिन का एक और चला दूँगा उससे तुम्हारे कब्ज़े में जन्ात आ जाएंगे मैंने नहीं कहा कि मैं अपने कब्ज़े में कोई जिन्त नहीं करना चाहती लेकिन अगर आप मुझे ये देना चाहते हैं चिला तो मैं कर लेती हूँ उनका ये कहना था ये चिला बहुत सख्त है तो मैं अपना रूम चौबीस घंटे लॉक रखना होगा मैंने ऐसे ही किया चौबीस घंटे मेरा कमरा लॉक रहता था तो बस खाने पीने की गर्ज़ से किचन में जाती थी तो पढ़ाई करती थी तो बाहर इतना कोहराम बरपा होता था बिल्लें रोती थीं मेरा नाम ले लेकर मुझे आवाज़ें देते थे दरवाज़े को पीटते थे ऐसा लगता था घर सा, का सारा सामान तोड़ रहे हैं तो सुबह निकल कर जब मैं देखती थी तो बाहर कुछ भी नहीं टूटा होता था जैसे कैसे करके वो इकतालीस दिन भी पूरे हुए तो वो जो इमाम साहब थे उन्होंने मुझे एक अपनी किताब दी और ये कहा कि अब ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तुम इसको इस्तेमाल कर सकती हो उनका ये कहना था कि तुम नहीं जानती तुम्हारे कब्जे में कोई जिन भी है उसके बाद ये हुआ कि उसने मेरी भी हिफाज़त शुरू कर दी मुझे डर नहीं लगता था मेरे बेटे की भी हिफाजत की तीन साढ़े तीन साल में उस घर में रही फिर मैंने वो घर छोड़ दिया अब मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता अगर ये चीज़ें मुझे कहीं नज़र भी आ जाए तो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाती इसी तरह से कुछ अर्सा पहले की बात है रात का टाइम था तो मुझे भूख लगी हुई थी मुझे भी और मेरे बेटे को भी तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तकरीबन अढ़ाई पौने तीन बजे का टाइम था तो वो जो हम लोगों को वो डिलीवरी देने के लिए आया तो उसने ये कहा कि आपके जो सामने वाला घर है अब हम लोगों के घर के सामने भी एक घर था उनकी भी सीढ़ियाँ सामने से नज़र आती थी उनके पोर्शन की उनका बेटा सीढ़ियों से उतर रहा था और मुझे ये कह रहा था कि ये पैसे ले लो और ये पिज़्ज़ा तो मुझे दे दो तो मैंने नहीं कहा कि नहीं ये स्पाइस फ्री है तो ये जिनका है मैं उनको ही दे सकता हूँ हम इस तरह से ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते मुझे बड़ी हैरानगी हुई तो मैं सुबह उनके घर गई और मैंने उनसे ये जाकर कहा कि आपके बेटे ने रात को हम लोगों का ऑर्डर लेने लगा था तो वो जो आंटी थी उनका ये कहना था कि मेरा बेटा तो यहाँ पर है ही नहीं उसको तो मरी गए हुए एक हफ्ता गुजर गया है आपको कोई गलत फहमी हुई है वो इतनी रात को बाहर क्या करेगा सीढ़ियों में जो उसने ऐसे करना था मुझे बहुत अजीब लगा कि पता नहीं वो क्या मखलूक़ थी क्या नहीं थी जिसने उनके बेटे के रूप में उस डिलीवरी बॉय को भी वो जो हमें देने आया था उसको भी रोका तो अजीब से मामला मेरी ज़िंदगी में शुरू से रहे हैं और मैंने बहुत से आपके साथ पहले भी शेयर किए हैं उनमें से ये कुछ वाक़त थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए बहुत शुक्रिया हम आपका बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ ये खौफनाक कहानी ज़ैन अली शाह शेयर कर रहे हैं अटक से ज़ैन कहते हैं मेरे कज़न ने अपने गांव के एक लड़के की कहानी मेरे साथ शेयर की है जिसका नेम उसामा था उसामा जो था वो प्लम्बर था ये पलम्बरी का काम किया करता था एक दिन वो घर वापस आया तो उसने खाना खाया रात का टाइम था तो सब घर वाले सो गए थे सामा जाग रहा था उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो मोबाइल यूज़ करने लग गया थोड़ी ही देर गुजरी तो उसको अजान सुनाई देने लगी उसने समझा कि शायद फजर का टाइम हो गया वो उठा तो उसकी बड़ी बहन भी जाग रही थी तो अपनी बहन को ये कहने लगा कि देखो ना अजान हो रही है मैं जाकर नमाज़ पढ़ कर आता हूँ तो तुम दरवाज़ा लॉक कर लेना उसकी बहन ने ये कहा कि ये कौन सा टाइम है अजान होने का अभी तो फजर का टाइम नहीं लगता उसने कहा नहीं अज़ान हो रही है फजर का ही टाइम होगा तभी अजान हो रही है वो अपने घर से बाहर निकला उनकी जो मस्जिद थी उनके घर से थोड़ा ही दूर थी वेरान रास्ता था वो मस्जिद पर पहुंचा तो मस्जिद का दरवाज़ा अभी बंद था वहाँ पर लॉक लगा हुआ था उसे बड़ी हैरानगी हुई कि अभी तो मुझे अजान सुनाई दे रही थी तो फिर अब मस्जिद तो लॉक है ऐसे कैसे पॉसिबल है जैसे वो वापस पलटा मस्जिद से थोड़ा ही दूर दरख्तों का सिलसिला था उसे वहाँ से बच्चों के छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ आने लगी एक से ज़ाहद बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी उसे बड़ा तजुब हुआ कि इतनी रात को ये जो बच्चे रो रहे हैं ये इंसान नहीं हो सकते शायद जन्नात ने कोई शरारत की है वो कहता है कि जैसे ही मैं उन दरख्तों से थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा तो वहाँ पर मुझे एक औरत नज़र आई उस औरत ने सफ़ेद कलर का ड्रेस पहना हुआ था और उसका जो कद था उन दरख्तों से भी ऊँचा था जैसे मैंने उस औरत को देखा मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया जब मैंने भागना शुरू किया तो मुझे लिटरली ये फील हो रहा था कि वो मेरे पीछे भाग रही है जब मैंने पीछे पलट कर देखा मैं घबराहट में मैंने पीछे पलट कर देख लिया तो वो वहीं पर खड़ी हुई थी और ये कह रही थी तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हारी पॉकेट में ये लोहे की चीज़ थी अगर ये ना होती तो मैं तुम्हें जान से मार देती वो भागता भागता घर आया दरवाज़ा खटखटाने लगा उसकी बहन ने दरवाज़ा खोला बहुत डरा हुआ था उसने अपनी बहन को सारी बात बताई जब उसने अपनी पॉकेट चेक की तो उसकी पॉकेट में वो जो उसका टूल्स होते हैं जिनसे वो काम करता था पलम्बरी का जो वो काम करता था वो उनमें से कोई एक टूल उसकी पॉकेट में था उसके बाद ये हुआ कि उस लड़के को दौरे पड़ने लग गए उसने उस मखलूक को इतने करीब से देखा था वो उसके ज़ेर असर आ गया था उस पर साया हो गया था तो उसको दौरे पड़ने लग गए बहुत बीमार रहा सबको उसने ये बात भी बताई बहुत अच्छा लड़का था वो काफ़ी उन लोगों ने दम वगैरह करवाए इलाज करवाए लेकिन टू वीक्स के बाद उस लड़के की डेथ हो गई तो ये ए, मेरे कज़न ने मुझे अपने गांव के एक लड़के की स्टोरी सुनाई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की बहुत शुक्रिया जैन आपका बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ ये खौफनाक कहानी आमिर शेयर कर रहे हैं गुजरात से आमिर कहते हैं मैं गुजरात का रहने वाला हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली इनतहाई ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ आज से आठ साल पहले की बात है एक दफ़ा तकरीबन असर के बाद का टाइम था मैं और मेरा दोस्त हम लोग नहर पर बैठे हुए थे वो जो नहर का हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा वीरान और सुनसान है आबादियाँ उससे काफ़ी दूर हैं तो हम लोग अक्सर वहाँ पर वॉक के लिए चले जाया करते थे जब मौसम अच्छा होता था मोस्टली हम लोग वहाँ पर जाया करते थे सर्दियों में सॉरी uh, गर्मियों में क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तो हम लोग नहर पर जाकर नहाया करते थे बहुत टाइम स्पेंड किया करते थे शाम होने से पहले हम लोग वापस आया करते थे इसी तरह से गर्मियों का मौसम था बादल भी बने हुए थे तो मैं और मेरा दोस्त हम लोग नहर पर चले गए काफ़ी देर हम लोग वहाँ पर बैठे रहे पानी में पाँव डालकर बैठे रहे उस दिन हम लोग नहाए नहीं थे क्योंकि मौसम ख़राब था हमें यह था कि किसी टाइम भी शायद बारिश शुरू हो जाए तो हम लोग घर वापस चले जाएँगे घर से थोड़ी दूर थी नहर तकरीबन पंद्रह बीस मिनट लगते थे पैदल भी जाने में ना तो आ, मैंने अपने दोस्त से ये कहा कि चलो नहर के किनारे पर वॉक करते हैं ठंडी हवा चल रही है पानी बड़ा अच्छा लग रहा है हम लोगों ने वॉक शुरू कर दी हम लोग वॉक करते करते काफ़ी ज़्यादा आगे निकल आए इतना आगे निकल आए कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झाड़िए और अजीब सा सिलसिला था वहाँ पर ना जैसे जंगल का समा होता है ऐसा महसूस हो रहा था हम लोगों ने वॉक करना शुरू कर दी नहर के किनारे तो हम लोग काफ़ी आगे निकल आए जंगल का वो हिस्सा लगता था मेरे हाथ में कुछ पत्थर थे वो मैं साथ चलता चलता नहर में फेंकता जा रहा था एकदम से मेरी नज़र पड़ी तो नहर का जो किनारा था जिस किनारे पर हम लोग चल रहे थे और तो मैं किनारे की तरफ ही था जैसे नहर में अक्सर झाड़ियाँ सी बन जाती हैं नहर के पानी में भी अक्सर पौधे और झाड़ियाँ नजर आ रहे होते हैं उनमें मुझे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ मैं गौर करके देखने लग गया मेरा दोस्त बातें कर रहा था मेरे साथ मैंने देखा मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत बड़ा सर है मुझे लगा जैसे कोई भैंस का सर होता है स्या कलर का वो सर था लेकिन जो उसकी आँखें थी वो आँखें सुर्ख रंग की थी जैसे मैंने उसको देखा मैंने उसकी तरफ जोर से पत्थर मारा मैंने दोस्त को कहा ये क्या चीज़ है अब जैसे मैंने उसको पत्थर मारा तो एकदम बहुत ज़्यादा ड्रॉवनी चीख सुनाई थी मेरे दोस्त ने भी सुनी मैंने भी सुनी उसने कहा ये चीख़ किसकी है इतनी ड्रोवनी चीख़ थी मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर भी किसी चीज़ को देखा है मैंने उसे पत्थर मारा है और ये चीख़ की आवाज़ आई है उसने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है खैर हम लोग भाग के बिल्कुल उसके पास के ज़्यादा से ज़्यादा चार से पाँच कदम दूर होगा वो मुझसे वहाँ पर जाकर देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं था इतना बड़ा सर मैंने खुद देखा आधा उन झाड़ियों से ऊपर मैंने वो सर देखा बिल्कुल भैंस की तरह वो सर था सुर्ख आंखें दी मैंने वहाँ पर और ढेर सारे पत्थर मारने शुरू कर दिए मेरा दोस्त कहता अगर कोई भैंस होती तो वो छुप तो नहीं सकती पानी में चाहे नहर में अगर वो नहाए भी जानवर तो वो नज़र तो आ जाते हैं बिल्कुल तो नहीं वो डूब सकता या तुमने कौन सा उसको ईंट मारी है कि वो मर गया होगा और नीचे चला गया होगा हम लोग काफ़ी देर वहाँ पर खड़े रहे तकरीबन पंद्रह बीस मिनट खड़े रहे हमें कोई हलचल कोई कुछ नज़र नहीं आया कोई वहाँ पर एक पत्ता भी नज़र नहीं आया कुछ ऐसा वैसा हम लोगों ने जब देखा कि अब तो काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है हाँ तो कुछ नहीं है मेरे दोस्त ने कहा तुम्हें तो वहम हुआ होगा झाड़ियों में तुम्हें तो एम ही लगा होगा ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है फिर मैंने उसे कहा अगर ऐसे ही है तो फिर वो चीख़ की आवाज़ किसकी सुनाई दी थी उसने कहा कि कोई नहीं वहम ना करो शायद ये पास जंगल का हिस्सा कोई जानवर बोला होगा तो टाइमिंग सेम होगी होगी तुमने पत्थर मारा है मैंने उसे कहा चलो ठीक है अपना मौसम बहुत ख़राब हो गया बिल्कुल बारिश आने वाली थी हम लोगों ने कहा कि वापस चलते हैं हम लोग वापस आ गए घर तो बारिश तो नहीं आई वैसे ही आंधी आई और उसके बाद वेदर नॉर्मल हो गया अम्मी ने मुझे ये कहा कि उसी टाइम उसी टाइम जब वो मौसम ख़राब हुआ तो मगरब के बाद लाइट ऑफ होगी हम लोगों के घर में जनरेटर तो था लेकिन यू नहीं था तो जनरेटर चल नहीं रहा था तो मेरी अम्मी ने ये कहा कि जाओ छत के ऊपर जाकर चारपाइयाँ बिछा कर आओ जितनी देर लाइट नहीं आती नीचे तो बहुत गर्मी है हम लोग सारे ऊपर बैठ जाते हैं मैंने कहा ठीक है अंधेरा हो गया था तब तक अब हम लोगों की जो सीढ़ियाँ थी वो बिल्कुल हम लोगों के सहन के एक कोने से ऊपर जाती थी और फिर उसके आगे वो छत सीढ़ियाँ ज़रा लंबी थी आधी सीढ़ियाँ चढ़ते थे तो फिर एक बहुत ज़्यादा बड़े स्टेप वाली सीढ़ी आती थी उसको टर्न करके फिर आगे ऊपर जाते थे आधी सीढ़ियाँ अगले अगले हिस्से में आती थी जब मैंने उस आ, मैं उस बड़े वाले स्टेप पर था और मैंने टर्न करके जैसे मैं ऊपर चढ़ने लगा तो मुझे ऐसा लगा छत के ऊपर से मुझे कोई झांक रहा है वो सर बहुत बड़ा था ऐसा था जैसे किसी जानवर का सर है बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने नहर पर देखा था वही सर उतना ही बड़ा स्या कलर का सर था और उसके ऊपर सींग भी थे बकायदा वही सुर्ख आंखें चमक रही थी और वो जो रोशनी थी वो भी रेड थी जैसे मैंने उसको देखा मैंने कहा कौन है यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि बिल्ली तो वो थी नहीं मैं शोर में जाता वो ऊपर भागा मेरा शोर सुन के मेरे पीछे मेरी बहन भागी कि पता नहीं इसको क्या हुआ है ऊपर जब गए तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था मैंने अपनी बहन को बताया कि मैंने भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सर देखा है मुझे कुछ झाँक कर नीचे देख रहा था उसने कहा कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है तुम वैसे डराने की कोशिश कर रहे हो उसे ये लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ मैं तंग करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको मैंने उससे कहा कि नहीं मैंने ख़ुद यहाँ पर एक सर देखा है उसने कहा कुछ भी नहीं है इतने में अम्मी भी ऊपर आ गई अबू भी आ गए हम सब बहन भाई ऊपर थे हम लोगों के एक दो कज़न्स आए हुए थे वो भी ऊपर आ गए हम लोग बातें करने लग लाइट नहीं आई मौसम ख़राब होने की वजह से लाइट इतनी ख़राब हुई कि लाइट आई ही नहीं रात के बारह बज गए हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करते रहे यहाँ तक कि हम लोगों ने खाना भी ऊपर ही खाया फिर अम्मी ने कहा कि आज ऊपर ही सो जाते हैं नीचे तो नहीं सोया जाएगा बहुत गर्मी थी यही बिल्कुल सेम ऐसा ही वेदर था जैसे आज है तो हम लोगों ने माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हम लोगों का घर था तो पूरे छत के ऊपर हम लोगों ने चारपाइयाँ बिछा चा ली तकरीबन उस छत के ऊपर हमारी दस से पंद्रह चारपाइयाँ होंगी एक लाइन में हम लोगों ने चारपाइयाँ बिछाई हुई अब जो सीढ़ियों वाला कोना था उस तरफ मेरी चारपाई थी मेरे तो वह मु गुमा में भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होना है क्या नहीं मैं वहाँ पर सोया हुआ था रात का टाइम होगा तकरीबन अढ़ाई बजे का टाइम होगा मुझे ऐसा लगे कि जैसे मेरी चारपाई को कोई जैसे कोई टक्कर मार रहा है अजीब वो गरीब तरह से मेरी चारपाई हिल रही थी गहरी नींद में था मेरी आंख खुल गई मेरे सर की तरफ कोई जानवर था बहुत बड़ा वही सुर्ख आंखों वाला और वो मेरी चारपाई को टकरे मार रहा था जब मैंने आंख उठाई और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी चारपाई के साथ कोई रहा है तो मैंने लेटे लेटे जैसे पीछे देखा तो वो जानवर इतना बड़ा उसका सर था इतने बड़े बड़े सींग थे इतनी बड़ी आइज़ थी लेकिन चेहरा बहुत अजीब था वो भैंस का चेहरा नहीं लगता था क्योंकि उसके बाकायदा होंठ थे बहुत बड़े और जब मैंने इसको देखा तो मैंने चीखना शुरू कर दिया जैसे ही मैं चीखा तो घर वाले जाग के उन्होंने कहा कि क्या हुआ है मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे भी महसूस हुआ है उन लोगों ने ये कहा कि तुम डर गए हो ख्वाब में डर गए हो मैंने उन्हें सारी नहर से लेकर अब तक की सारी बात बताई वो मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे थे अम्मी ने कहा कि नहीं नहर पर जन्नात वगैरह होते हैं तो तुम डर गए हो गए अम्मी ने मुझे ऐति कुर्सी पड़ी मेरे ऊपर दम की और अम्मी ने कहा कि चारपाई चेंज कर लो तुम हमारी तरफ आ जाओ चारपाई भी चेंज होगी मैं वहाँ पर जाकर लेट गया लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी अब सब घर वाले शायद सो गए थे अभी फजर की अजान नहीं हुई थी मुझे ऐसे लगे जैसे कोई गुर्रा रहा है जैसे कुछ जानवर सांस लेता है और ले भी मेरी चारपाई के नीचे रहा है मैं इतना डरा कि मेरे में इतनी तो हिम्मत थी नहीं कि मैं झांक कर देख सकूं कि नीचे कुछ है या नहीं मुझे इतना आइडिया हो गया था कि जिसको मैंने पत्थर मारा है वो कोई जानवर नहीं था वो कोई जन्ात ही था जो अब मुझे डरा रहा है बहुत ज़्यादा मैंने दिल ही दिल में ऐतर कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी वो जैसे मैंने ऐतर कुर्सी पढ़ना शुरू की तो मुझे ऊँचे ऊंचे सांस ले रहा था वो सांस लेना उसने बंद कर दिए सुबह हुई तो मैंने ये बात अपने दोस्त के साथ शेयर की उसको सारी बात बताई बाकायदा उसके घर गया उसने मुझे बड़ा हौसला दिया उसने कहा कुछ नहीं होता अल्लाह खैर करेगा हम लोग किसी के किस पास दम करवा लेंगे तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है वो किसी आमिल को जानता था उसकी तरफ मैंने काफ़ी टाइम गुजारा तकरीबन सारा दिन ही मैं उसके साथ रहा अजीब सी कशमकश थी हम लोग डिस्कशन करते रहे उस दिन हम लोग नहर पर भी नहीं गए इतने में मुझे घर से कॉल आई कि घर आओ तुम कहाँ पर हो सब पूछ रहे थे मेरा मगरब हो चुकी थी मैंने नहीं ये कहा कि मैं अपने घर आ रहा हूँ मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें तो छोड़ आता हूँ उसका घर मेरे घर से थोड़ा ही दूर था मैंने उससे कहा कि नहीं मैं ठीक हूँ मैं घर चला जाऊँगा अब जब मैं अपने घर वापस आ रहा था तो हम लोगों के घर के बाहर एक बेरी का दरख्त लगा हुआ था बिल्कुल गेट के साथ यानी पहले हम लोग दरख़्त को क्रॉस करते थे फिर हम लोगों का गेट अंदर जाने का रास्ता था जैसे मैंने अपनी गली में टर्न लिया अपने घर के हम लोगों का गली में जब टर्न लेते थे तो हम लोगों का फिफ्थ नंबर पर घर बनता था जैसे ही मैं चलता वह अपने घर के करीब आने लगा अभी दो घर रह गए थे हम लोगों का घर आने में मैंने वही जानवर उसका साइज़ बहुत बड़ा था जब वो बैठा होता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा जैसे कोई अजीब सी चीज़ है बहुत बड़ा जैसे ढेर सा है कोई किसी चीज़ का स्या कलर का वो उसने बकायदा गर्दन हिलाई और मेरी तरफ़ देखा अब मैंने तो उसको अपने घर के बिल्कुल बाहर उस मखलूक को देख लिया था इतना मुझे डर लगा कि मैं अपने घर ही ना जा सका मैंने हम लोगों का जो तीसरा घर था मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया वहाँ पर भी हम लोगों के महल्लेदार ही थे तो वो एक लड़का था उसकी एज मेरे से बड़ी थी मेरे बड़े भाई जितना था वो जब बाहर आया मैंने उससे कहा कि ए, मैंने घर जाना है तो मुझे ना हम लोगों के दरख्त के नीचे कोई अजीब सी चीज़ नज़र आई है तुम्हें नजर आ रही है उसने देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं था उसे मैंने सारी बात बताई वो मेरे साथ आया उसने मुझे घर भेजा मैंने घर वालों को बताया अब अबू ने कहा कि ये चीज़ तो इग्नोर नहीं कर सकते वो मखलूक मुझे बकायदा नज़र आ रही थी मुझे डरा रही थी इससे पहले वो मुझे कोई नुकसान दे देती उस दिन हम लोग नीचे ही सोए थे हम लोग बरामदे में चारपाइयाँ बिछा कर सोते थे पंखे लगे होते थे दोनों साइड पर तो हम लोग सोए हुए थे मुझे सारी रात उस मखलूक ने इतना डराया इतना डराया कभी मेरे सर पर बोझ डाल देती थी कभी ऐसा लगता था मेरा कोई गला पकड़ रहा है कभी ऐसा लगता था कि मुझे बिल्कुल मेरे कान के पास आकर कोई सांस ले रहा है मैंने डर के मारे आंखें नहीं खोली क्योंकि मुझे पता था जब भी मैंने आँखें खोलनी है मुझे उसने नज़र आना ही आना है लेकिन जिस वक्त बाकायदा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई गीली सी चीज़ बिल्कुल मेरे हाथों के ऊपर आकर कोई गीली सी चीज़ लगी है जैसे कोई ज़बान होती है उस वक्त मैंने चीखना शुरू कर दिया मेरा हाथ बिल्कुल गीला था मेरे घर वालों ने भी देखा मैंने हाथ धोया मैंने वज़ू किया मैं बहुत रो रहा था मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई मुझे बहुत सा बुखार हो गया अगले सुबह मेरा दोस्त भी आ गया तो वो मुझे आमिर साहब के पास लेकर गए तो जब आमिर साहब के पास गए उन्होंने पढ़ाई की मैंने ए टू जी उनको सारी बात बताई आमिर साहब का ये कहना था वो जिन था जिसने जिसको तुमने पत्थर मारा था वो जिन था और वो तुम्हारे पीछे लग गया अभी तो वो तुम्हें अपना आप अप ज़ाहिर कर रहा है तुम्हें दिखा रहा है अब उसने तुम्हारे जिस्म पर हमला करना था जिस तरह से उसने मेरे हाथ वो चाटे या जो भी किया वो उसके बाद उसने मुझे जानी नुकसान देना था फिर उन्होंने मुझे तवीज़ दिया कुछ उन्होंने कहा कि इतने गोश्त का सदका आप लोगों ने नहर में फेंक कर आना है बहते पानी में वो फिर मेरे अबू और भाई फेंक कर आए तवीज़ मेरे गले में डाला और मुझे ये कहा कि सात दिन घर से बाहर नहीं निकलना बिल्कुल चाहे कुछ भी हो जाए घर से बाहर नहीं निकलना फिर मैंने बहुत ज़्यादा परहेज़ की पांच वक्त की नमाज़ कुरान पाक और जो तवीज़ उन्होंने डालने के लिए और पीने के लिए दिए थे वो मुकम्मल मैंने किए सात सात दिन जब गुजरे तो आठवें दिन दोबारा उनके पास गया उन्होंने पढ़ाई की तो उन्होंने ये कहा कि अब उस जिन का असर मेरे से हट गया है सात दिन लगातार वो हम लोगों के घर के चक्कर काटता रहा हम लोगों के घर के बाहर ऐसी आवाज़ आती थी जैसे जानवर भाग रहे हैं लेकिन हम लोगों के घर के अंदर नहीं आ सकता था वो मैं इतना खूबसदा हुआ कि मैंने दोबारा ज़िंदगी में मैं कभी उस नहर की तरफ नहीं गया ये मेरी ज़िंदगी की ऐसी सच्ची कहानी है जिसने मुझे इतना सबक सिखाया है कि कभी भी आप किसी जगह पर कुछ भी देखें तो अपनी तरफ से कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए उसको मारने की या उसकी तरफ़ बढ़ने की हम नहीं जानते कि हम लोगों के सामने आने वाली मखलूक क्या हो सकती है शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी जान बचा ली वरना शायद अगर देर हो जाती तो वो मुझे जानी नुकसान दे देता बहुत शुक्रिया आमिर आपका जिस तरह ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें आप लोगों को कैसी लगी आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ई मेल आई डी नोशी वीर फिफ्टी सेवन एट जी मेल डॉट कॉम पर इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं हॉरर उर्दू सेंटर को जाकर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे वहाँ पर हॉरर नावल जिन शादी मैं ऑन एयर कर रही हूँ उसको आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे जितना वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें उनको भी सपोर्ट करें अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अपनी ईद की खुशियों में उन लोगों को ज़रूर याद रखिएगा जो इसके हकदार हैं अल्लाह आप सबको हम सबको हमेशा खुशियाँ अदा करें और ऐसी ईदें हमारे नसीब में करें अपने ढेरों दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टे ब्लेस्ड ब्लेस्ट अल्लाहबार